हेलो रिबान, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि आज उनकी टू डे बेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। प्लेन पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। तो जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में है वो आपको दिलो दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन उस चीज़ में फेल हो रहे हैं। और इसकी वजह से ना, मतलब ये जितना भूलने की कोशिश कर रहे हैं आपको या फिर अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही पीछे आ रहे हैं। जितना सोचे कि आपके बारे में ना सोचे लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। स्पेशली ऐसा लग रहा ना कि सामने कुछ भी ऐसा चीज़ आना, जैसे कि कोई मूवी है, कोई कपल सामने आना हो या कुछ भी, जैसे आपका नाम सामने आना हो, इसकी वजह से ना ये काफ़ी हद तक आपके ही सोच में डूबे हो जाते हैं। हार्ट्स मतलब एक दिल आपके लिए धड़कता है और इसका रीज़न काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। यस, ये कोई बस एक रोमांटिक थॉट्स नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे एनर्जी में है ना कि जहाँ पे इस मिररिंग एनर्जी है, जहाँ पे दोनों ने दुनिया देख ली है, दोनों ने एक दूसरे को भी देख लिया है। यस, आपने भी इनकी सारी हरकतें देख ली, इनका प्यार भी देख लिया, इनका गुस्सा भी देख लिया, इनकी नफरत भी देख ली और इनका एक गैर जिम्मेदार बिहेवियर भी देख लिया कि जैसे आपके लिए स्टैंड ना लेना या आपको चीट करना, झूठ बोलना, धोखे देना, ये भी देख लिया। तो अभी ऐसा है ना कि दोनों भी आप है ना अपनी दुनिया में रहना चाहते हो, अपनी लिए जीना चाहते हो, बट समाउ क्या अधूरापन है, क्या खालीपन है या क्या मैग्नेटिक पुल है जो एक दूसरे की तरफ खींचता है वो नहीं समझ में आ रहा है। स्पेशली ये फुल मून की एनर्जी की वजह से ना आप दोनों में एक अजीब चेंज है। 555 एंजल नंबर शायद आपको दिख रहा है, 111 एंजल नंबर आपको दिख रहा है, ये भी नहीं समझ पा रहे। इन्होंने भी दुनियादारी देख ली कि जैसे रिश्ते अचानक से कैसे बदल जाते हैं, ये भी देख लिए। शुरू में तो सब कुछ अच्छा, इवन आपके रिश्ते में भी बहुत खूबसूरत रिश्ता था, बहुत खूबसूरत, कितनी हंसी खुशी मुस्कुराहट और ऐसा लगता ना कि दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, लाइक नो कि जैसे जिंदगी का एक ऐसा खूबसूरत हिस्सा ना कि जैसे भुलाना, मतलब जिंदगी की एक खूबसूरती भुलाने जैसा है। कमाल की बात यह है कि इन्हें भी ऐसा ही एहसास हो रहा है, इनके भी शायद रिश्ते रहे हैं, एक इंटेंस हो या बहुत सारे रिश्ते हो, लेकिन किसी रिश्ते में ना ये इतने इन्वॉल्व या इतने इंटेंस फीलिंग नहीं गुजरे हैं। उनके साथ रहे हैं, उनके लिए बहुत कुछ किया है और इसकी वजह से उनको बहुत कुछ मिला भी है, लेकिन जैसे ना इस रिश्ते में, जैसे आपके साथ जो रिश्ता है ना उसमें कुछ खास है, जिसे बिना मांगे बहुत कुछ मिल गया या बिना दिए उनको बहुत कुछ मिल गया हो। एस इनिशियल हो सकता है इनका, टी हो सकता है, पी हो सकता है। नंबर 3 स्ट्रांगली फील हुआ एंड 5 नंबर सी इनिशियल हो सकता है इनका। इन्हें ऐसा लगता ना कि आपके बिना ना जिंदगी एकदम बेजान सी है। यस, जैसे कि डेजर्ट, मतलब ऐसा है ना कि जैसे रेगिस्तान, इसमें कोई भी हरियाली नहीं है, कोई भी लाइक ना एक पूरा सूखा पड़ा हुआ है, तो जमीन ही बट समा पूरा
पूरा सूखा पड़ा है, लाइफ चल रही है, ठीक से चल रही है कि जिंदा तो रह सकते हैं, लेकिन वो जो एक हरियाली है, जो खुशी आती है, जो एक अबंडेंस होता है ना कि भाई कमी नहीं है किसी चीज़ की, या फिर एकदम एकदम अजीब सा खालीपन नहीं फीला, क्योंकि सब चीज़ जैसे दूर दूर है। और सबसे बड़ी चीज़ है ना, आपसे जो दूरी है वो उनको बहुत ज़्यादा खाई जा रही है। इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि आपसे जो दूरी है वो कैसे मिटेगी। रिश्ते में आप मतलब आपका रिश्ता, आपके साथ जो रिश्ते में जुड़ने की इच्छा बहुत ज़्यादा, लेकिन अपनी दुनिया में उलझने होने की वजह से ना, ये फैमिली इशू हो सकता है, जिसके ये मैरिड सिचुएशन या पेरेंट्स बिल्कुल नहीं मानेंगे ऐसी एनर्जी है कि जैसे कुछ भी करो लेकिन मानेंगे नहीं, ऐसे एनर्जी हो सकती है। लेकिन ये ना कोई कोशिश कभी कभी नहीं करना चाहते, लाइक ऐसा लगता है ना कभी कभी बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं। और मतलब आप जैसे उनकी स्ट्रेंथ हो, आप इनके लिए होप हो, इसकी वजह से मतलब अगर आप कोशिश करें, आप आए सामने से, आप उनको सहारा दे दे, सपोर्ट दे दे और उनको मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, तब जाके लाइफ में कुछ हो सकता है। वरना इनको खुद से इनिशिएटिव लेना है और बाद में अपनी लाइफ को ठीक करना है, ग्रो करना है, ऐसा कोई मोटिव फील नहीं हो रहा है, ना एनर्जी फील हो रही है, ना इच्छा फील हो रही है। बस एक चीज़ है कि बस ऐसा लगा कि काश आप मिल जाए, काश आप टकरा जाए, कैसे मतलब कैसे ही सही, मतलब एक मिरेकल हो जाए या भगवान की मर्ज़ी हो जाए और आप लोग मिल जाए। इनको अपनी तरफ से एफर्ट लेने का इच्छा नहीं है, इच्छा इन द सेंस कि हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में जो भी बिगड़ा है ना, पहले तो है तो गलती इनकी, लेकिन ठीक करने का जो एक ताकत चाहिए या उसमें जो एक जज्बा चाहिए ना, वो इनसे नहीं हो पाएगा। पॉसिबल है कि ये बहुत कोशिश करें, बहुत कोशिश करें अपने लाइफ को स्टेबल करने की और स्पेशली फाइनेंसेस को संभालने की, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इनके साथ वाले लोग हैं ना, अभी इनसे बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कि जैसे ये जिस तरह से होपलेस है या फिर इनके लाइफ में जिस तरह से चल रहा है ना, जो सामने वाले लोगों को लगता है ना कि इनकी इनमें प्रॉब्लम ही है, ये हमेशा से ऐसे थे या फिर ये नकारा इंसान है, तो अभी स्पेशली ना थर्ड पर्सन को ना इनमें अगर कोई रोमांटिक पर्सन है तो उस पर्सन को इनमें ना कोई होप ही नज़र नहीं आता, होप ही नहीं नज़र आता कि जैसे इनके साथ रहना मुश्किल है, इनके साथ निभाना मुश्किल है, ऐसा फील होता है। पिकॉक की एनर्जी है, बी इनिशियल हो सकता है इनका, ई हो सकता है, टी वी हो सकता है। अकेले अकेले बैठे रहना, बेवजह की बातें सोचना या फिर सोच सोच के परेशान होकर शांत बैठना या फिर एडिक्टिव हैबिट्स का सहारा लेना, यही उनकी ज़िंदगी चल रही है। समझ नहीं आ रहा, एक ऐसा लगता है कि अगर लाइफ में डायरेक्शन मिल सकती है तो आपसे ही मिल सकती है, लेकिन शायद तकलीफ इस बात की है ज़्यादा इनको कि आप भी ना पहले की तरह वो मतलब हो नहीं, आप एनर्जी वाइज भी नहीं हो। पहले तो एनर्जी वाइज भी आप फील होते थे कि कहीं ना कहीं आप है साथ में, वो फील होता था। और इनफैक्ट आप अपनी लाइफ में ना ग्रो कर रहे हो ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आप मूव ऑन कर रहे हो, आप आपके लाइफ में कोई पर्सन है, आपके लाइफ में अच्छे खासे पैसे वैसे का हर चीज़ करियर में अच्छा चल रहा है, लाइफ में आसपास लोग हैं, ऐसा फील हो रहा है। और ये अपने लाइफ में अकेले पड़ गए हैं, ये अपने लाइफ में तो आपका अच्छा चल रहा है और इनका बुरा चल रहा है, ऐसी एनर्जी है। इनको ये फील हो रहा है कि जैसे आपके लाइफ में भी जब प्रॉब्लम आए थे, क्योंकि आप ये जो कंडीशन है ना, ये आपकी तरफ भी बीती थी, लोगों ने आपको गलत समझा, मुंह मोड़ा था, और शायद इसी पर्सन की वजह से, जैसे ना लोग नहीं चाहते थे कि इस पर्सन की एनर्जी में आप रहो, इंतज़ार करो या जो भी है, और उनकी वजह से ही शायद अपने अपनी करियर को नज़रअंदाज किया हो, नकारा हो, कोई अपॉर्चुनिटीज मिस की हो। और अभी ऐसा लग रहा ना कि जब इन्होंने साथ छोड़ा था
या इन्होंने मुंह मोड़ा था, तो लोगों ने वही कहा था कि किस इंसान के पर भरोसे पर इतना करे है। बट अभी नो समहाउ अपनी लाइफ में अपने ग्रो कर लिया, अपने आप को स्टेबल किया है किसी भी लेवल पर, छोटे लेवल पर या बड़े लेवल पर, लेकिन इनकी मतलब इनका साथ देने वाला कोई नहीं, इनको समझने वाला कोई नहीं। अगर इनसे आप पूछेंगे या ऑब्जर्व भी करेंगे, इन्होंने आसपास ऐसी कोई भी एनर्जी रखी नहीं है जो किसी भी तरह से किसी भी हालत में इनका साथ दे सके। और लोगों से ज़्यादा गलती इनकी है, ये इनको भी रियलाइज़ हो रहा है, लोगों से ज़्यादा गलती इनकी है। या तो इन्होंने गलत लोगों पे भरोसा किया है, रिश्ते रखे हैं, या तो सिचुएशन ही ऐसी है कि लोगों को इनके पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से ये अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल थिंग्स देखते आए हैं तो लोग भी वही देखेंगे। अभी जब ये कमज़ोर लग रहे हैं, लॉसेस की फीलिंग में चल रहे हैं, तो क्यों लोग साथ देंगे? क्योंकि लोग उगते हुए सूरज की तरफ ही देखते हैं, डूबते हुए सूरज की तरफ देखना पसंद नहीं करते। तो वो चीज़ है, इनका जो डाउनफॉल है, पहले तो इन्होंने अपने हिसाब से अपनी वजह से हुआ है। लाइफ में मोटिवेशन, इंस्पिरेशन सब चीज़ की मिसिंग है। माना कि पता है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, ये सब कुछ है, लाइफ चल रही है, लेकिन हैंडमैन की एनर्जी, जैसे कि पर्सपेक्टिव ही नहीं बदल रहा है या सोच नहीं बदल रही है। बदलना चाहते हैं भी तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या होना चाहिए, तभी तो यू नो प्रैक्टिकल सेंस में भी आपकी याद बहुत आ रही है। सिर्फ इमोशनल नहीं, सिर्फ इमोशनली तो बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन हुए, इमोशनल हुए, सब कुछ है, लेकिन एक प्रैक्टिकल सेंस में भी उनको आपकी याद इसलिए आ रही है कि यही इंसान था जो मुझ पर भरोसा करता था। इसे ये इंसान जानता है कि मैं क्या हूँ, और ये मुझे सही से समझता है, समझा सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। सबर का फल मीठा। कनेक्शन आप लोग के स्पिरिचुअल है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, सोल कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। सो नई शुरुआत करनी है इनको, और वो आप ही के साथ करनी है, क्योंकि आपके अलावा ना, मैंने जैसे कहा, प्रैक्टिकल सेंस में भी कोई ऐसा इंसान आसपास है नहीं। किसी में भी इतनी ताकत, वक्त और एनर्जी नहीं होती कि किसी डाउनफॉल वाले इंसान को समझे, साथ दे दे, विश्वास करे, क्योंकि जहाँ पे ग्रोथ होती है वहाँ पे ही लोग, जैसा पैसा होता है, अबंडेंस होता है, यंग यूथ होता है, हर चीज़ वहाँ पे ही भागती है। और अगर इन डिफरेंट सिचुएशन के, जैसे किसी के पास कुछ नहीं है फिर भी कोई भरोसा कर सकता है, तो वो कनेक्शंस के ऊपर ही हो सकता है, क्योंकि एक दिल, एक सोल एक दूसरे को जानते हैं। ये आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत। अभी तो एहसास हो रहा है कि यार सच्चा प्यार होता क्या है। ये सच्चा रिश्ता जो कहते हैं ना, आप जो इमोशनल बातें करते थे, ये अभी तो रियलाइज़ हो रही है। पेशेंस रख के देख लिया, ये जो पार्ट है ना, ये लाइफ लेसन लर्न करने का पार्ट है इनका। सो होपफुली लर्न करे, और आपके पास आने की इच्छा बहुत है लेकिन हिम्मत नहीं है। इच्छा बहुत है, हिम्मत नहीं है। अपनी ही सोच में, अपनी ही दुनिया में काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए वो फील हो रहा है कि दिमाग से अपनी नेगेटिविटी ही निकाल नहीं पा रहे, वो चीज़ हो सकती, अपनी बंद सोच को निकाल नहीं पा रहे, लेकिन आएंगे ज़रूर विद इन 2 डेज या फिर 9 डेज, कुछ लोग के लिए 2 हफ्ते हो सकते हैं। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।